नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिलरी के बारे में। आर्टिलरी की कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह की आर्टिलरी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेना में एक अलग ही आर्टिलरी को ऑपरेट करने वाला एक अलग डिवीज़न होता है, और वो अलग अलग तरह की आर्टिलरी को फायर करने के लिए ट्रेन होता है। तो बेसिकली हम बोलें तो तीन तरह की आर्टिलरी हो जाती है। पहली बेसिक कैटेगरी वाली हो जाती है गन, फिर आ जाता है होविट्जर, और फिर तीसरी कैटेगरी में हम जो है मोर्टार को ला सकते हैं। अब इनका जो कैटेगराइजेशन होता है वो वेलोसिटी, एंगल और मोड के बेसिस पे होता है। वेलोसिटी यानी कि जो गोला फायर हो रहा है या गोली फायर हो रही है वो किस स्पीड से जा रही है, किस एंगल से जा रही है, और मोड यानी कि वो डायरेक्ट फायर में इस्तेमाल हो रही है या इनडायरेक्ट फायरिंग में। तो सबसे पहली कैटेगरी हो जाती है गन्स वाली कैटेगरी। तो गन्स का इस्तेमाल जो है शॉर्ट रेंज की फाइट के लिए होता है, आमने सामने वाली लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप दुश्मन को सीधा देख सकते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये जो गोलियाँ फायर होती हैं ये हाई वेलोसिटी की होती है, यानी ज़्यादा स्पीड से जाती हैं। एंगल वाला रोल यहाँ पे कम होता है, ज़्यादा एंगुलर आप काम नहीं करते, आप स्ट्रेटली फायर करते हैं, डायरेक्ट फायर करते हैं। तो LMG, MMG जैसी गन्स जो हैं इस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो LMG यानी कि लाइट मशीन गन, MMG यानी मीडियम मशीन गन। तो इस तरह की चीज़ें जो है नॉर्मल आर्टिलरी गन की कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर हम आते हैं होविट्जर की कैटेगरी में। तो होविट्जर जो है मीडियम वेलोसिटी, यानी कि इसके जो गोले फायर होते हैं वो मीडियम स्पीड से जाते हैं, गोली के मुकाबले स्लो होते हैं, लेकिन जो है इनका एंगल बड़ा होता है, थोड़ा सा मीडियम एंगल बोल सकते हैं हम, और इसका इस्तेमाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की फायरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक ग्राउंड पर फिक्स करके ऑपरेट करने वाली आप होविट्जर देख रहे हैं। इसके अलावा जो है सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर भी होती है, जैसे कि K9 वज्रा जो हम बना रहे हैं, जिस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं, तो वो भी होती है। तो वो एक तरह से टैंक वाले चेचिस के ऊपर लगी हुई जो है गन हो जाती है। तो ये जो है होविट्जर गन की कैटेगरी में आ जाती है, मीडियम वेलोसिटी, मीडियम एंगल और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। फिर आ जाते हैं हम तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो आ जाते हैं मोर्टार। तो मोर्टार जो है लो वेलोसिटी से फायरिंग होती है, हाई इनका एंगल होता है, और इनका इस्तेमाल जो है इनडायरेक्ट फायरिंग में होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो फायरिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है दोनों तरफ से। तो क्या होता है कि जो मोर्टार होते हैं वो बहुत बड़े डैमेज करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, छोटे छोटे पोस्ट को या छोटे मोटे घरों को निशाना बनाने के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान की साइड से आए दिन जो है मोर्टार फायरिंग होती रहती है, उसके जवाब में हम भी जो है मोर्टार फायरिंग करते रहते हैं। अब ये जो है एक छोटे डैमेज के लिए होती है, हम वहाँ पे होविट्जर या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो जो है फिर वार में बदलने वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ा डैमेज करती है। तो इस तरह के मोर्टार का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारा दुश्मन जो है वो भी करता रहता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें टेक्निकल टर्म में, तो गन का इस्तेमाल होता है सीधी आमने सामने वाली लड़ाई के बीच में, जहां आप दुश्मन को सीधे देखते हैं, तो वहां एंगल होता है कम। तो नीचे वाले जो लाइन आप देख रहे हैं वो गन वाली लाइन है, कि स्ट्रेट फायरिंग में गन का इस्तेमाल होता है और रेंज जो है यहाँ पे कम होती है। फिर हम अगर मोर्टार को देखें तो इसकी रेंज कम होती है लेकिन एंगल काफ़ी बड़ा होता है, तो छोटे मोटे डैमेज के लिए, छोटी मोटी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। होविजर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, मीडियम इसका एंगल रहता है तो दोनों ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डैमेज काफ़ी बड़ा करती है, तो नॉर्मल जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये जो है कुछ बड़े लेवल के जब क्लैश हो रहे हो तभी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जो है लास्ट टाइम इसका इस्तेमाल कारगिल वॉर में किया था, इससे पहले तक जो है जो भी इस्तेमाल हुआ है आर्टिलरी का वो मोर्टार और गन्स तक ही सीमित रहा है। तो शॉर्ट में बोले मोर्टार हो जाता है शॉर्ट रेंज वाली चीज़, होविट्जर जो है मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली चीज़ हो जाती है, और गन का इस्तेमाल जो है डायरेक्ट
लाइन ऑफ फायर में, जहाँ सीधे आप दुश्मन को देख सकते हैं, वहाँ पर होता है। तो ये रही मेरी आज की बात। आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।